फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी बुटीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हैंकी फ्रॉक एक से दो साल के बेबी के लिए। तो आज जो हैंकी फ्रॉक बनाए जा रहे हैं वो एक साल की बेबी के लिए है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो ये हमारा कॉटन का फेब्रिक हमने लिया है फ्लावर प्रिंट में। आपको जिस भी फेब्रिक का बनाना है बना लीजिए, लेकिन अगर कॉटन में बनाएंगे तो ही ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि बेबी को सिंथेटिक कपड़ों से एलर्जी जल्दी बनती है, तो कॉटन के कपड़े में ही रोग ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए, ऐसे हम इसको पहले चार फोल्ड कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे फोर टाइम फोल्ड कर लेंगे। और जो हैंकी फ्रॉक के लिए बेबी का जो मेजरमेंट रहेगा वो हमारा ये है। बेबी की टोटल लेंथ 22 है, यानी जो फ्रॉक की लेंथ होगी 22 वो है। चेस्ट 11 है, चोली की जो लेंथ है वो 11 रहेगी, और जो चेस्ट है वो 20 है, वेस्ट 20 है एंड हिप 20 है। तीरा और आर्मोल हमारा 10 रहेगा, यानी 5। आपका मेजरमेंट जो भी आप वो ले लीजिएगा। तो अब हम पहले चोली की जो लेंथ होगी, जो चोली की मेजरमेंट है वो लगाएंगे। तो चोली की लेंथ हमारी है 11 इंच, 1 इंच मार्जिन लेंगे 12। हमारा तीरा है 10 इंच, यानी 10 का हाफ लगाएंगे 5 इंच। आर्मोल भी हमारा 10 है तो यहाँ पे हम 5 इंच लगाएंगे। जो चेस्ट हमारी 20 है, 20 का हम 1/4 करेंगे तो 5 इंच आएगा, उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो देखिए 7 इंच। चेस्ट वेस्ट एंड हिप बेबी का सेम ही रहता है तो वही हम 7/7 पे मार्क बना देंगे। तो ये स्ट्रेट ही ड्रॉ कर देंगे, हम हल्का सा इसको राउंड कर देंगे क्योंकि बेबी है तो उसका कोई आर्मोल का मेजरमेंट नहीं रहेगा अलग से राउंड के लिए। देखिए मैं इसे कट कर लेंगे इसको। ये देखिए, ये हमारी फ्रॉक की चोली कट हो गई है। इसमें हमारा बोट नेक बनाएंगे क्योंकि बेबी के लिए तो बोट नेक ही बन सकता है। तो बोट नेक के लिए हम पहले इसमें कटिंग कर देंगे, नेक की अभी कटिंग कर देंगे। नेक की जो चौड़ाई होगी वो 3 इंच होगी और जो लेंथ होगी वो 2 इंच। तो देखिए हमने नेक भी हमारा कट कर लिया है, ये हम तिरछी पट्टी से नेक बना लेंगे। अब हम जो हमारी कटिंग होगी वो हमारे नीचे के पार्ट की होगी, यानी जो हमारे नीचे का हैंकी वाला पार्ट होगा। तो उसके लिए देखिए, कपड़ा हमारा पहले डबल फोल्ड है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे चार फोल्ड में करेंगे। तो देखिए, हम चार फोल्ड करने के बाद हम इसके मेजरमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कोना है जहां से हमारा चारों फोल्ड हो रहा है, देखिए यहाँ से हमारे मेजरमेंट को लगाएंगे। जो हमारा हिप था 20, हिप का 4/4 हिस्सा लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे चार फोल्ड है, तो हम हिप का 1/4 करेंगे, यानी ऐसे करके हम 5 इंच लगाएंगे। जब ऐसे लगाएंगे तो 2.5, नहीं इधर से 2.5, और फिर जब ऐसे करेंगे तो इसको तिरछे में 5 इंच करना है। ये हमने 2.5 इधर लगाया, 2.5 इधर, क्योंकि अगर हम 5 का भी हम हाफ करते हैं तो 2.5 आता है। तो पहले हम 2.5 लगाएंगे, फिर इधर भी 2.5 लगाएंगे और उसको हम ऐसे राउंड में कर देंगे। देखिए 2.5 को हम इक्वली करते हुए ऐसे राउंड कर देंगे, क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये, तो देखिए अब हमारी जब हम लेंथ का निशाना होगा वो लगाएंगे। तो जो हमारी टोटल लेंथ है वो 22 है, उसके अंदर से हम चोली की लेंथ यानी 11 इंच को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें 11 इंच की लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पे 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 11 इंच ही हम यहाँ पे लगाएंगे इस साइड से। ये देखिए ऐसे, और ये हम एक बॉक्स को रेडी करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस साइड से भी हम हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि हमारी हैंकी फ्रॉक है तो इसलिए इसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे।
अब जो हमने अभी मेजरमेंट लगाया था हम उसको कट करेंगे ऐसे, और इसको जो हम ऐसे करेंगे तो हमारा हैंकी फ्रॉक की स्टाइल में आएगी। देखिए इस तरह से हमारी हैंकीज बनेगी जब इसको ये हमारे चोली के साथ जॉइंट होगी। तो अब हम इसको आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग के लिए हम दोनों के राइट साइड पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे, यानी सीधे पार्ट को अंदर की साइड रखेंगे और एक साइड के शोल्डर को हम ज्वाइंट कर देंगे। एक साइड का शोल्डर हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब इसमें हमारी तिरछी पट्टी लगा लेंगे। जैसे हम लगाते हैं तो तिरछी पट्टी हमने पहले ही कट कर रखी है, वो हमारी नेक पे लगा लेंगे। इसमें यहाँ पे कट्स लगा देंगे। अब इसको हम पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, ये देखिए ऐसे, और इसके ऊपर से हम टॉप सिलाई लगा देंगे। अब इसको हम हमारे दूसरी साइड के शोल्डर्स को भी हम ज्वाइंट कर देंगे। अब इसको इसको हम स्लीवलेस बना रहे हैं, स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसके आर्म होल्स को भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए ऐसे, और आप चाहें तो इसको तिरछी पट्टी से फोल्ड कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे। तो आपके ऊपर आपकी मर्जी रहेगी कि आप कौन सी स्टाइल को फोल्ड करते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से बेस्ट रहता है, आप कौन से तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड के आर्म होल्स को हमने फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम हमारे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे बिना मेजरमेंट के आईडी से लगा रही हूँ, आप चाहें तो अपना मेजरमेंट निशान लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फिटिंग की सिलाई सीधी ही लगाएंगे क्योंकि बेबी है, तो अलग से कोई मेजरमेंट नहीं होगा चेस्ट वेस्ट या हिप का, क्योंकि इक्वली मेजरमेंट रहता है बेबी का। लेकिन अब हम ये देखना है कि जो मैंने सिलाई लगाई है ये हमारा जो हैंकी वाला पार्ट था नीचे का स्कर्ट पार्ट उसके इक्वल है या नहीं। तो इसको देखिए वैसे डबल में ही रखेंगे, इसको वैसे मैच करेंगे, यानी अभी भी हमारा कम है इतना, तो इसका मतलब ये कि हमारा अभी जो हमने मेजरमेंट लिया था उससे फिटिंग हमारी कम है, तो हम दोनों साइड से हाफ हाफ इंच और कवर कर देंगे। फिर हम इसको मेजरमेंट करेंगे, ये देखिए अब हमारा इक्वल है दोनों पार्ट। अब इसको उल्टा ही रहने देंगे और इसको सीधा रहने देंगे हम, देखिए इस साइड से नेक की साइड से इसको ऐसे रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि हमें ऐसे नहीं रखना है इसको, हाँ ऐसे हैंग की स्टाइल में रखना है, ये देखिए इस तरह से
यानी एक हैंकी हमारे इस साइड होनी चाहिए और एक इस साइड पे, और इसको वैसे हम यहाँ रखेंगे ऐसे, इसको ऐसे, और इस पे हम पूरे में राउंड पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, उसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये सीधा करने बाद हमारा हैंकी फ्रॉक का लुक आ गया। ये देखिए इस तरह से इसकी हैंकी बन के आएंगी, और इसको नीचे से अगर हम चाहें तो फिको भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको नीचे से हल्का हल्का फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे